पुंडरी विधानसभा क्षेत्र से सिटिंग एमएलए दिनेश कौशिक ने गुरुवार को एडीसी राहुल हुड्डा के पास अपने नामांकन पत्र जमा करवाए। दिनेश कौशिक ने पिछला चुनाव आजाद उम्मीदवार के रूप में जीता था। बाद में दिनेश कौशिक भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा ने दिनेश कौशिक को टिकट देने का भरोसा दिया था, लेकिन अंतिम समय पर दिनेश कौशिक का टिकट कट गया। अपने समर्थकों से सलाह करने के बाद दिनेश कौशिक ने एक बार फिर आजाद उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करने का निर्णय लिया। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एडीसी राहुल हुड्डा ने दिनेश कौशिक को जरूरी हिदायतें भी दी। आइए देखते हैं। समर्थन तो पहले से भी बहुत है और अब तो और ज्यादा है। मैं पहले ही आजाद विधायक यहाँ से रहा हूँ और इस बार फिर से इन्हीं कारणों से फिर से आजाद कैंडिडेट के रूप में मैंने पास। ये तो पार्टी ने देखा था ना जी, पार्टी ने तो विश्वास दिलाया हुआ था कि टिकट मिलेगा, उसी के हिसाब से हम तैयारी कर रहे थे और हमें पूरा विश्वास था कि हमें टिकट मिलेगा। कौशिक साहब जी हर तरह से उम्मीद है और हमारे हल्के के लोगों का प्यार और स्नेह हमारे साथ है, जो हमेशा से पहले भी रहा है और आगे भी है। हमने निर्णय लिया है, हम सबका यही था कि आजाद कैंडिडेट के रूप में फार्म भरा जाए और इलेक्शन लड़ा जाए। तो क्या चुनौती? तो अभी समय आने पे पता चलेगा, क्योंकि सभी लोग अपने जो सामने हैं अभी तो फार्म भी नहीं भरे, एक दो दिन तक सारा पता चल जाएगा, तो लोग बताएंगे। मैं तो अपने लिए आश्वस्त हूँ। एमसीसी की जो गाइडलाइन है जो आपको फॉलो करनी है, जो आपको ध्यान में रखना है, ये आपका अकाउंट्स का रजिस्टर है, साथ में और इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपको डे टू डे मेंटेन करके रखना है। आपके सारे एक्सपेंसेस 28 लाख रुपीज जो है वो लिमिट है और विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ये आपको सारा सबमिट करना है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। पुंडरी विधानसभा के नतीजे के बारे में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।